हेलो गाइस, मैं रोज। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी जानने से पहले आप लोगों को पहले ये आइडिया क्लियर होना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, इसका डेफिनेशन क्या है, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, सोशियोलॉजी कैसे दुनिया में आया, ये सबको जानना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे करके सब एक्सप्लेन करूँगी। शायद ये वीडियो में ना भी एक्सप्लेन हो तो बाद वाले वीडियो में मैं इसका शायद 3-4 पार्ट बनाऊँगी, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि ये बहुत फास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत वास्ट, बहुत डिफरेंट एलिमेंट काम करते हैं एक सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो बुक का फोटो देख रहे हो वो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कौन सा बुक है। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप सोशियोलॉजी के स्टडी करने चाहते हो, तो यू हैव टू बाय दिस बुक, सोशियोलॉजी प्राइमरी प्रिंसिपल CN शंकर राव। ठीक है, तो पहले तो मैं इस बुक से लेके एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं अपने पर्सनल नोट्स से लेके एक्सप्लेन करूँगी। पहले बुक का लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी होता है, फिर मैं अपना नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले बुक्स का लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या लिखा है। सोशियोलॉजी जो है एक फैमिली मेम्बर है सोशल साइंस का। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग है, वो सोशल साइंस का ही फैमिली मेम्बर है, बट वो थोड़ा यंग है। अगर हम लोग गूगल में जाके सर्च करेंगे ना व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, तो सबसे पहले आप देखोगे स्टडी ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या, अगर आप गूगल में या फिर कहीं पे जाके भी सर्च करोगे कि सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, यही आएगा। तो हम लोग क्या ये मान के चले कि पहले के ज़माने में सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी का स्टडी नहीं होता था? ऑफकोर्स होता था। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वर्क ऑफ एरिस्टोटल, जो कि उन्होंने फादर ऑफ सोशल साइंस, वो भी सोसाइटी को बारे में लेके सोचते थे। मनु जो है जो कि लॉज देते थे सोसाइटी के बारे में, कौटिल्य जो है जिसने अर्थशास्त्र लिखा, ये सब लोग तो सोसाइटी के बारे में ही सोचते थे भले ही। तो फिर एक ऐसा सब्जेक्ट का क्या ज़रूरत हुआ अलग से निकाल, क्योंकि पहले हम लोग के पास बहुत सारे सोशल साइंस थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने गूगल का डेफिनेशन दिया है, सोशियोलॉजी द स्टडी एंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम। ये गूगल का डेफिनेशन है, बेसिक, एकदम बेसिक। तो पहले ही हम लोगों के पास सोशल साइंस में बहुत कुछ था, जैसे कि आप देख लो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब था। तो फिर सोशियोलॉजी का क्या ज़रूरत रहा? तो सोशियोलॉजी जो है वो मेनली फोकस करता है ह्यूमन लाइफ, हम लोग जो जीवन व्यतीत करते हैं, हम लोगों का एक जो एक्टिविटी होते हैं, हम लोग जो काम करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, मतलब एक ह्यूमन सोसाइटी का बारे में भी स्टडी करती है। क्योंकि एक आदमी जो है उसके आसपास, बगल में या फिर सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो चीज़ें उसको कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ये सब स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी इवॉल्व हुआ था एज अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट। और अगर मैं डिटेल्स में बोलूँ तो ये स्टडी करता है कि ह्यूमन जो सोसाइटी है वो कैसे ओरिजिन किया है, वो कैसे डेवलप्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है या फिर उसका फंक्शन क्या है। एक सोसाइटी ऐसे ही नहीं काम करता, उसमें बहुत कुछ एक साथ चलता है, बहुत कुछ, जैसे कि फैमिली होता है। आपने कभी देखा है सोसाइटी एक इंसान का, वो चुपचाप बैठा है कुछ नहीं करता है? नहीं ना, सोसाइटी में बहुत लोग होते हैं, बहुत चीज़ें होता है, बहुत कुछ होता है। वो सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए सोसाइटी डेवलप्ड हुआ है। सोसाइटी स्टडी करता है एक दूसरे में जो हम लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे मैं एग्जांपल देना पसंद नहीं करती, फिर मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ। हम लोग, जैसे आप मेरे पे डिपेंडेंट हो ये वीडियो को लेके, वैसे मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ वीडियो के व्यूज़ के लिए। हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें, या फिर हम लोग का रिलीजियन, हम लोग का पॉलिटिकल व्यूज़, साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ये सब जानने के लिए सोशल लाइफ में सोशियोलॉजी का ज़रूरत था।
या फिर सोसाइटी में तो चेंज होता है, आपने आप तो हमेशा देखते हो कि कोरोना वायरस के टाइम पे सोसाइटी में चेंज हुआ, सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम हम लोग किसको बोलते हैं, पॉवर्टी, गरीबी, ओवर पॉपुलेशन, क्राइम, ज़्यादा मतलब लोगों को काम नहीं मिलना, ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और ये सब चीज़ों पे ये हम लोग का इकोनॉमिक पॉलिटिक ये सब कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। अगर हम लोग बुक के लैंग्वेज से बोले, सिर्फ मैं इस बुक के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिटेल्स में बहुत है, बस मैं बुक का नॉलेज पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर मेन रीज़न बोला जाए कि सोशियोलॉजी का ग्रोथ का क्या रीज़न है, तो 19th century जो है वो सबसे मेन रीज़न है। 19th century को हम लोग पूरे, अगर हम लोग मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टेजेस में देखें, 19th century में दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, एज ऑफ एनलाइटमेंट। अगर ये सब के बारे में आपको नहीं पता, डोंट वरी, मैं आपको डिटेल्स में नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा थोड़ा करके आपको बोलूँगी। और अगर आपको डिटेल्स में जाना है, प्लीज़ सी ऑल दिस वीडियोज, लाइक व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड व्हाट इज एज ऑफ एनलाइटमेंट, ये सब हुआ। तो ये सब जो रेवोल्यूशन हो रहे थे ना, तो सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा था कि अचानक से, देखो आप घर पे बैठे हो, अगर घर पे तूफान आ गया, घर जल गया, आपके लाइफ में तो चेंजेस तो आएगा ही ना। तो ये तो हम लोग का सोसाइटी है, बिल्कुल सोसाइटी में इतना कुछ चेंजेस हो रहा है। तो सोशल क्लास चेंज हो जा रहा है, लैंड पैटर्न, किंग से लेके डेमोक्रेसी आ जा रहा है, लोग चर्च, जो कि पहले के ज़माने में लोग भगवान पे बिलीव करते थे, लोग उस पे सवाल कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा था सोसाइटी में, लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोग गरीबी, लोग मर जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, ये सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। हम लोग एक साइड पे बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट, या फिर बोलो कि सबसे न्यू साइंस है, बट एक दिख से अगर देखोगे ना, सोशियोलॉजी इज़ द ओल्डेस्ट साइंस। क्यों, इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि सोसाइटी के बारे में लोग हमेशा से सोचते थे, बट उस सब्जेक्ट का एक नाम नहीं था। तो 19th century में क्या हुआ, ये जो सोचना, लोग जो सोचते थे ना सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी ऐसा है, सोसाइटी में इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही सोच को एक नाम मिल गया। और क्या नाम मिल गया, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो वर्ड है, ये वर्ड का मीनिंग आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ये दो वर्ड से मिलता है, एक है सोशियस मीन्स कॉम्पेनियन, या फिर आप बोल सकते हो एसोशिएट, एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। मतलब बेसिकली सोशियोलॉजी दो वर्ड से बनता है, दैट इज सोशियस एंड लॉजिस, दैट सिंपली मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ पीपल। बहुत सिंपल है ये चीज़, अगर आप ध्यान से आप कनेक्ट कर पाओगे ना तो आप समझ पाओगे। हाँ, तो सबसे पहले सोशियोलॉजी को लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अगस्त कोम्टे। तो इनका नाम आपको बहुत ध्यान से जानना पड़ेगा, ये व्यक्ति जो है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के एक फाउंडिंग फादर होते हैं। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को देख लें तो एडम स्मिथ है, वैसे ही सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर है अगस्त कोम्ट। ये जो सोशियोलॉजी नाम भी है, ये भी उन्होंने ही दिया था। अगस्त कोम्टे जो थे ना, वो देखते थे कि सोशियोलॉजी में इतना, मतलब सोसाइटी में इतना चेंजेस हो रहा है, बहुत सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक्स में फोकस करते, कोई कोई तो पॉलिटिक्स में फोकस करते, कोई हिस्ट्री में फोकस करते, कोई साइकोलॉजी में फोकस करते, बट कोई सिर्फ सोशियोलॉजी में, मतलब सोसाइटी में फोकस नहीं करता है। और अगर फोकस भी करते हैं तो नॉट डीपली। वो चाहते थे ऐसा कोई सब्जेक्ट बने ना जो सोसाइटी को स्टडी करे साइंटिफिकली, नॉट जस्ट कि कॉमन सेंस में बता दिया फिर कुछ भी बोल दिया, नहीं, साइंटिफिकली स्टडी। तो सोशियोलॉजी जो है एक
साइंस है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक स्टडी होता है। आप बोलोगे साइंटिफिक स्टडी कैसे होता है इसमें लैब, क्योंकि अगर साइंस का स्टडी होता है तो उसमें आपको केमिकल्स, लैबोरेटरी सब कुछ चाहिए होता है ना। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे सोशियोलॉजी में हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च का जो टेक्निक्स होता है, जो टूल्स होता है, जैसे इंटरव्यू, फिर आप देख लो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, ये सब का एक प्रोसीड्योर है, ये सब एक चीज़ है। हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, भले ही वो सोशियोलॉजी मतलब साइंटिफिकली साइंटिफिक नहीं है अगर हम लोग ऑनेस्टली बोले, बट ये भी एक साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को फिर हम लोग टेस्ट कर रहे कि जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो सही है कि नहीं है, तो ये भी सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाते हैं। तो इसलिए अगस्त को हम एक ऐसा सब्जेक्ट चाहते थे जो कि स्टडी करे ओनली सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे, जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है विद टाइम, जो भी हो रहा है सोसाइटी में उसको स्टडी करे। यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बोल देती हूँ सोशियोलॉजी का। ये सोशियोलॉजी क्या करता है, ये ह्यूमन लाइफ को स्टडी करता है, ह्यूमन आदमी को, या फिर पुराने ज़माने में हिस्ट्री को, ह्यूमन हिस्ट्री जो पिछले ज़माने से चला आ रहा है वो सब स्टडी करता है, और फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करता है कि और फ्यूचर के प्रेडिक्ट करके क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं उसके बेटरमेंट के लिए, वो सब स्टडी करता है। तो सोशियोलॉजी के जो इमर्जेंस हुआ था अगस्त कॉम्टे, उनके सर में जो ये सब व्यूज आया था कि सोशियोलॉजी को लेके या फिर सोसाइटी को लेके एक साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए, ये सब व्यूज किस लिए आया था, तो इसके बहुत ज़्यादा रीजंस है। तो मैं अगर सच में बोलूँ तो 7-8 रीजंस है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिटेल्स में अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंशन कर दूँगी। तो सोशियोलॉजी एज अ साइंस एवॉल्व होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो है एज ऑफ एनलाइटमेंट। तो फिर एज ऑफ एनलाइटमेंट में क्या हुआ, लोगों का नज़रिया बदला। नज़रिया कैसे बदला, लोग पहले चर्च में बहुत डिपेंडेंट रहते थे, गॉड पे बहुत डिपेंडेंट रहते थे, वो मानते थे कि कुछ भी दुनिया में हो रहा है तो गॉड की वजह से हो रहा है, तो वो सब चीज़ों पे क्वेश्चन किया गया। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, फ्रेंच में पहले मोनार्की था, मतलब किंग रूल करते थे, किंग को हटा के वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, तो वही है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर ग्रोथ ऑफ साइंस, वो क्या हुआ, साइंस लोगों में ना साइंटिफिक नॉलेज वो ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ। लोग पहले बहुत क्या थे, मतलब बहुत ना वो ट्रेडिशनल थे, बहुत कॉन्जर्वेटिव व्यू था, बट नहीं, अब लोग समझने लगे कि दुनिया में साइंस है, जो चीज़ें दुनिया में होता है साइंस की वजह से होता है। इस पर मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। फिर ग्रोथ ऑफ आइडियाज़ लाइक डेमोक्रेसी, लोगों को व्यूज़ आने लगे कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, व्यूज़ ऑफ इक्वलिटी कि सब लोग इक्वल है, पहले के ज़माने में सब लोग इक्वली ट्रीट नहीं हुआ करते थे। कोई अमीर होता था, हाई मतलब रूल्स आपको पता है, ये स्लेवरी, ये सब किंग क्वीन, ये सब हटा दिया गया, सब एक समान, लिबर्टी, व्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब। कॉपरेशन मूवमेंट, कॉपरेशन मूवमेंट मतलब क्या, या फिर कॉपरेशन रेवोल्यूशन, मतलब लोग ना पहले कुछ भी सोचते थे कि अर्थ सेंटर में है, सन इधर उधर घूमता है, बट नहीं, ये सब जो स्टडी से, पुराने ज़माने के जो स्टडी से ये सब को चेंज किया हुआ, जैसे कि अभी पता चला डिस्कवरी के साथ कि सन सेंटर में है, अर्थ उसके पीछे, इसको बोलते हैं कॉपरेशन मूवमेंट। फिर बायोलॉजिक एवोल्यूशन हुआ, मतलब आपको पता है कि बहुत सारे मेडिसिन्स या फिर ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे। फिर ग्रोथ ऑफ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स उस टाइम पे हुआ, आपको पता ही है। और फिर फ्रेंच में तो सबसे ज़्यादा ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, या फिर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ कि लोगों का, मतलब ग्रोथ ऑफ, अब क्या बोलूँ, ग्रोथ ऑफ
पॉलिटिकल व्यूज़, फिर इन्वेंशन होने लगा, ये सब जो चीज़ें एक साथ मिला के जब एक साथ सब कुछ एक साथ आ गया ना 19th सेंचुरी में, फिर हुआ सोशियोलॉजी का ग्रोथ। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी का ग्रोथ पे आप, मैं बहुत देर से एक डायग्राम दिखा रही हूँ, मैं इस डायग्राम के बारे में बता दे रही हूँ। हम लोग अगर 19th सेंचुरी के पहले का स्टार्टिंग का टाइम देखे या फिर उसके पहले का टाइम देखे, तो लोग ना डार्क एज में रहते थे। डार्क एज हम लोग किसको बोलते हैं, दैट इज लोग बहुत ज़्यादा गॉड पे निर्भर रहते थे, अंधविश्वास बिलीव करते थे, वो एज को हम लोग बोलते थे डार्क एज। फिर आया मॉडर्निटी फॉलआउट्स। मॉडर्निटी फॉलआउट्स में क्या हुआ, सोशल चेंजेस हुआ। सोशल चेंजेस मीन्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी का राइज हुआ। पहले क्या ट्रेडिशनल सोसाइटी था, लोग एग्रीकल्चर में फोकस करते थे, फेडरल लॉर्ड्स होते थे, बट नहीं, अब इंडस्ट्रियल, तो सोसाइटी में सोशल चेंज हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो हुआ अभी, पहले क्या था एग्रीकल्चर सोसाइटी था। फिर नया क्लास आया, कौन सा क्लास, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो लोग एडुकेटेड होते हैं, तो वो लोग का व्यूज़ आया, जैसे कि सेकुलरिज्म, फिर ये सब डेमोक्रेटिक व्यूज़ आया, और इसके साथ अर्बनाइजेशन भी हुआ। इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से जो सोसाइटी थोड़ा लॉस होता था वो प्रॉफिट में चलने लगा। फिर मार्केट फोर्स आया, कैपिटलिज्म आया, और पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, डेमोक्रेटिक व्यूज आया, लिबर्टी आया। सो ये सब जो चेंजेस हुआ ना सोशल चेंज की वजह से क्या हुआ, क्योंकि मैंने बोला इंडस्ट्रियल सोसाइटी आया, उसके कारण ना लोग पॉवर्टी में रहने लगे, गरीबी में रहने लगे, क्योंकि आपको पता है ये सिटी का हालत क्या है, लोग अधिकतर गरीबी में रहते। न्यू फिर इकोनॉमिक चेंज में क्राइम बढ़ने लगा, लोगों का कंडीशन मतलब चेंज हो गया, और पॉलिटिकल में तो आपको पता ही है क्या होता है, केओस बढ़ने लगा। तो ये सब चीज़ जो एक साथ हो रहा था ना, बहुत क्वेश्चंस हो रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों, किस लिए हो रहा है। फिर इंटेलेक्चुअल लोग अपना विचार, मतलब कोई कोई सब कोई हर लोग अलग अलग सोच देने लगे कि इसलिए हो रहा है, उसलिए हो रहा है। फिर साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि 19th सेंचुरी में अगर आप देखोगे ना, साइंस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एंड जो साइंस का ग्रोथ, दोनों को मिला के हम लोग का इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ। आई होप मैं आपको समझा पाई। ये बस फर्स्ट लेक्चर था, अगर आपको डिटेल्स में जानना है मैं इसके बाद भी वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करो, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्लियर करो, और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हो प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।